वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और मैं वापस से वहीं आ चुका हूँ जहाँ से मैंने वीडियो छोड़ी थी, और दोबारा से मैं अपना वीडियो यहीं से शुरू कर रहा हूँ, बड़ा बाजार से। आपको एक बहुत दिलचस्प जगह लेके जा रहा हूँ। दिलचस्प इसलिए है कि ऐसी जगह सबके मनपसंद की होती है, जिसे कहते हैं। इस गली में मैं एक और जा रहा हूँ आपको लेके। उस गली का नाम है, आप कह सकते हैं उसे अचार वाली गली। अचार वाली इसलिए गली क्योंकि वहाँ तरह तरह के अचार मिलते हैं, और उन अचार का जायका चखने का मौका मिला तो मैं ज़रूर चखूँगा और आपको दिखाऊँगा। और इसी के साथ अचार वाली गली के अलावा मैं आगे और जाऊँगा जहाँ पे पीठा भी बनता है, तो कोशिश करूँगा अगर पीठा बनता हुआ नज़र आया तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा पीठा भी बनते हुए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सफ़र आज का। दोस्तों, मार्किंग के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जब बड़ा बाज़ार आएंगे, ये बड़ा बाज़ार पुलिस स्टेशन का ये कियोस्क है। इस कियोस्क के बिल्कुल ये ऑपोजिट में ये गली है। अगर और मार्किंग के लिए चाहिए तो आपको ये SBI बिल्डिंग मिलेगी। SBI का यहाँ पे एक ब्रांच है। तो चलिए दोस्तों, क्रॉस करते हैं और इस गली के अंदर चलते हैं। गली की शुरुआत में कुछ मसाले की दुकान है और कपड़े की भी दुकान है। मसाले की दुकान काफ़ी बड़ी बड़ी है। तो जिस तरह से भोग वाली मिठाई की दुकान है। ये सब लड्डू भाई कैसे किलो है? लड्डू 80 रुपए किलो है, बढ़िया क्वालिटी का है। अच्छा, और ये लूज जो बुंदिया है 140 रुपए किलो बुंदिया है। चलिए, बहुत अच्छा, शुक्रिया भाई। तो फाइनली अचार वाले गली में अचार शुरू हो गया दिखना। सब यहाँ दोस्तों के साथ एक अचार वाली गली में यहाँ एक दुकान मुझे मिली है। ये भाई साहब सिर्फ अचार बेचते हैं और पापड़ भी बेचते हैं, मसाला भी है कुछ इनके पास। आइए इनसे पूछते हैं क्या क्या दाम है और इनके जो पास जो वैरायटीज़ है वो किस तरह की वैरायटीज़ ये बेचते हैं। नवरंग, तो नवरंग इनकी दुकान का नाम है। और ये आपको बस वो गली जो मैंने बताई है वीडियो में, उस गली के अंदर ही है। आप आते के साथ आपको कुछ कदम चलने के बाद ही आपको ये दुकान मिल जाएगी। और आप देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया कि इनके पास तरह तरह के वैरायटीज़ है अचार के। ऑलमोस्ट हर तरह के अचार इनके पास है। ये कुछ बॉटल में सॉफ्ट या माउथ फ्रेशनर है, ये भी है। कुछ बॉटल अचार भी है। ये कुछ ड्राइड वैरायटीज़ हैं और उसके ऊपर ये पापड़ भी हैं। ये मसाला पापड़ है, आम पापड़ है, और यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं, मिक्स पापड़, चना पापड़, सारे वैरायटीज हैं पापड़ के। तो ये चलिए पूछते हैं कि क्या क्या रेट्स है इनका। यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या है? ये नींबू का अचार है। ये क्या है? सिर्फ आप मैंगो ड्राई। ये मैंगो ड्राई है। ये मैंगो ग्रेवी है, ग्रेवी मैंगो। ये भी ड्राई मैंगो है। अच्छा, इसको देसी आम कहते हैं। अच्छा, मिक्स स्पेशल, इसमें गाजर है। और कितना आइटम मिक्स है इसमें? 12 आइटम मिक्स है। अच्छा, ये भी आम है। इसमें 5 तरह के आइटम्स हैं जो मिक्स करके ये अचार बना है। ये बनारसी मिर्च है। अच्छा, ये मिर्च क्या बनारस से आता है? अच्छा, ओके। तो आपने देखा, आप कलकत्ते में रह के भी बनारस मिर्च आप खा सकते हैं। इनके पास मौजूद है ये बनारसी मिर्च। और ये भी वही आम का ही है, आम स्पेशल है। ये अलग है मसाला इसका टेस्ट। अच्छा,
अच्छा ये स्वीट आइटम है, ये मिठास है इसमें, ये मिक्स है, इसमें डेट्स वगैरह दिख रहा है मुझे, और ये है बेल, ये बेल का मुरब्बा है, ओके, ये आंवला है समूचा, और ये कट किया हुआ आंवला है, ये कूल है, बेर है जो आप अपने बचपन में अपने स्कूल में खाए होंगे, ये वही चीज़ है, और ये रहा, अच्छा ये आम का छिलका उतारा हुआ है, इसे कासुंडी बोलते हैं, ये ग्रीन चिली कटिंग वाली, अच्छा आइए इधर देखते हैं ये क्या है, ये सांगली का है, ये कुछ ये केरिया हो गया, ये मटर के दाने के जैसा बिल्कुल दिखने में आप लग रहा है आपको, राजस्थान से आता है ये लहसुन है, ये गार्लिक है, और ये मिर्च जो है ये, अच्छा इसी का छोटा है क्या, अच्छा ये इसी का जो आपने बनारसी मिर्च देखा था उसी का ये छोटा है, लसुड़ा इसको बोला जाता है, ये बाहर से आता है, वो ग्रीन चिली है आगे में, और वो है, और वो फिर से वो मीठा आम है शायद, इमली है और आम मिक्स है दोनों, अच्छा ओके, अच्छा कितने वैरायटीज है, 150 वैरायटीज है इस, अच्छा 50 आइटम जो है वो रनिंग रहते हैं, पिकल्स में 50 आइटम रहते हैं, होम डिलीवरी भी आप करते हैं क्या, अमेजन में बेचते हैं आप, अच्छा कोरियर से बेचते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से लें और आपको कैरी करने में प्रॉब्लम है तो इनसे आप कह दिए, ये आपको कोरियर भी कर देंगे, एड्रेस आप बता दीजिएगा आपके घर तक तो पहुँच जाएगा। कैसे किलो है, 100 रुपए किलो का ये पीठा है, ये अंदर में बनता है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मसाले हैं, आप देखिए कितने तरह के मसाले हैं यहाँ पे, आम पलना, ये सारे मसाले हैं, लेमन टी रेडी, ये लेमन टी है रेडी है बिल्कुल, और ये लेमन टी मसाला है, अच्छा तो आप देखिए यहाँ से मैं फिर से शुरू करता हूँ, ये देखिए शिकंजी मसाला, आम पन्ना, लेमन टी रेडी, लेमन टी, स्वीट कॉर्न, टी मसाला, गार्लिक ब्रेड मसाला, दाबेली जो गुजरात में खाया जाता है, हाँ वो तो देख रहे हैं आपके पास काफी सारा मसाला है, यहाँ मसाला ही मसाला है, आप
आपको जिस तरह का भी मसाला चाहिए आपको मिल सकता है इस गली के अंदर, और साथ में पापड़ भी है, पैप्रिका भी है, ओरिगैनो भी है, पिज्जा मसाला भी है, मिक्स हर्ब भी है, रोजमेरी, थाइम, ये सारे चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे चीज़ पाउडर भी है, पॉपकॉर्न चीज़ भी है, पेरी पेरी भी है, ये देखिए पेरी पेरी जो आपको ब्रांड मिलता है हम लोग जो वहाँ से लेते हैं सुपरमार्केट से, वो पेरी पेरी भी है यहाँ पे। ये पीठा कैसे किलो है भाई? 120 रुपए किलो। ये सारा एक ही दाम का है? ये वाला 100 रुपए। अच्छा, तो 120 से और 100 के बीच में रेंज रहता है। चार कैसे किलो है? ये वाली 200। 200। ये 200। और ये 160। 160। तो यहाँ कुछ और भी मिर्च अचार की दुकान है यहाँ पे, कुछ और भी अचार की दुकान है यहाँ पे। चलिए आइए, देखते हैं इनके पास क्या क्या वैरायटीज है। इनकी दुकान भाई साहब, आपका नाम बताइए? रोहन। रोहन, अच्छा, तो आप यहाँ से अचार बेचते हैं या मसाला ही बेचते हैं? सिर्फ अचार, अभी मसाला नहीं रखे हैं। मसाला नहीं रखे हैं? अच्छा, तो ये सारे अचार क्या कलकत्ता के हैं या कलकत्ता के बाहर के हैं? सब यहाँ के हैं, कुछ बनारस के हैं, कुछ राजस्थान के हैं। अच्छा, तो यानी अलग अलग जगह से अचार मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ज़रा बताएंगे आप कौन सा बाहर का है, वो स्पेशल जो है वो दिखाइए। यहाँ पे ये जो मिर्ची लगी हुई है, ये मिर्ची वो बनारस में बात। अच्छा, बनारसी मिर्ची है। अच्छा, और यहाँ पे केरिया खान भी आप देख रहे हैं, ये सब बीकानेरी है। ये हाँ, ये बीकानेर से आता है। हाँ, अच्छा, और ये वाला मिर्ची हो गया आपका, यहाँ की मिर्ची है, और ज्यादातर यहाँ की, और ये सब जो आइटम हो गए यहाँ पे, ये सब हम लोग का खुद का बनाया हुआ है। ये आपका खुद का बनाया हुआ? तो ये जो स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, ये इनका खुद का बनाया हुआ आइटम है। और ये क्या चीज़ है? ये वाली ना। हाँ, ये लहसुआ है, गुजराती अचार है। ये गुजराती अचार तीखा है क्या? ये खट्टा होता है। खट्टा होता है, खट्टा और तीखा दोनों होता है ये। अच्छा ठीक है। और ये काबली चना है। अच्छा, ये काबली चना है जिसको चिक पीस कहते हैं हम लोग, जिसका चिक पी कहा जाता है, चिक पी कहा जाता है, ये उसका अचार है। आप देखिए, ये ड्राई मैंगो है, बिना तेल वाली, हल्का मसाला। तो ये ड्राई आइटम है, ये पूरा ड्राई मैंगो है, उसमें तेल नहीं है। और लहसुन भी है, लहसुन है, आमड़ा है, आम का पतला पतला लच्छा होगा। अच्छा, ये आप देखिए यहाँ पे, ये गार्लिक है, लहसुन है, और ये कुछ स्वीट आइटम है इनके पास। मीठा में ये आम हो गया, मिक्स फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट मिक्स रहता है, खजूर, आम, पापड़, चालता है, आमती है, इमली है, पैर है। अच्छा, ओके ओके, तो आप देखिए इनके पास भी काफ़ी सारा वैरायटीज है यहाँ पे। तो बेसिकली जो आपको मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अचार वाली गली के अंदर जब आप आइएगा तो आप जैसे जैसे मूव करते जाइएगा आपको इस तरह की दुकान मिलती जाएगी, बहुत सारी दुकान मिलेगी। तो जहाँ जहाँ मुझे वैरायटीज नज़र आई, मैं उस दुकान पे रुका और आपको मैंने रिव्यू दिया यहाँ का। ये बकेट भर भर के अचार है यहाँ, तो आप यहाँ आ सकते हैं, अचार यहाँ ले सकते हैं यहाँ का। चलते चलते आपको यहाँ बेबी कॉर्न नजर आ गया, और काफी फ्रेश और सस्ते देख रहे थे, आपको दिखाता हूँ मैं। बेसिकली ये स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न भी है, स्वीट कॉर्न भी है, बट स्वीट कॉर्न मुझे ज्यादा अच्छा लगा। 50 रुपए किलो मैंने अपने घर के लिए ले लिया है। ये देखिए, ये स्वीट कॉर्न है, छोटे बड़े हर साइज में, और मैंने जो लिया वो ये लिया है। ये स्वीट कॉर्न है, काफ़ी फ्रेश क्वालिटी के हैं, इनके पास काफ़ी सारे हैं।
तो मैंने 1 किलो ले लिया यहाँ पे। तो मैं वापस जा रहा था दोस्तों, तो मैं थोड़ा अचार अपने घर के लिए भी ले रहा हूँ, अपने लिए भी। और आज की वीडियो यहीं पे एंड होगी दोस्तों, इसके बाद एक और वीडियो बनेगा, वो भी एक स्पेशल वीडियो बनेगा, आप बहुत जल्दी देखेंगे उस वीडियो को भी। दोस्तों के आपको ये अचार का वीडियो पसंद आया होगा, स्पेशली अचार के लिए था ये वीडियो। और अब मैं एक दूसरे लोकेशन पे जाऊंगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ये वीडियो को यहीं से स्टॉप करना पड़ेगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ।